हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज द लाइक इट जैसा कि आप जानते ही होंगे कि प्रेसिडेंट इलेक्शन होने हैं मंथ ऑफ जुलाई में तो ऐसे में एग्जाम के व्यू पॉइंट से ये जानना ज़रूरी है कि कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है इंडियन पॉलिटी के इस टॉपिक में आज हम जानेंगे कैसे प्रेसिडेंट को इलेक्शन किया जाता है आइए पहले ब्रीफ में प्रेसिडेंट के बारे में जान लेते हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ़ द इंडियन स्टेट प्रेसिडेंट इंडिया के फर्स्ट सिटीजन भी होते हैं और एक्ट करते हैं एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सॉलिडाइटी ऑफ द नेशन आइए जानते हैं उन क्वालिफिकेशंस को जो प्रेसिडेंट के लिए रिक्वायर्ड होती हैं फर्स्ट इज ही और शी मस्ट बी इंडियन सिटीजन सेकेंड इज मस्ट हैव द एज ऑफ थर्टी फाइव थर्ड इज़ ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ लोकसभा फोर्थ इज़ ही मस्ट नॉट होल्ड अ गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आइए अब जानते हैं कैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है एज पर द ऑफ आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलोंग विद द प्रोविजंस ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, फिफ्टी बाय सप्लीमेंटेड बाई द प्रोविजनशियल एंडियल इलेक्शन रूल नाइनटीन अब क्वेश्चन होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज और ये इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडिंग एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन इनडायरेक्टली किया जाता है बाय दी इलेक्टोरल कॉलेज और इसमें फॉलो किया जाता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलट्स आइए अब जानते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट कंजिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेम्बर्स इसी कारण से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो पार्ट नहीं ले सकते हैं वो होते हैं पहला नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज सेकेंड नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स इलेक्ट्रोल कॉलेज का पार्ट नहीं होते हैं इसलिए स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स चाहे वो इलेक्टेड भी क्यों ना हो वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एंड थर्ड इज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिव असेंबलीज ऑफ डेली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड फोर्थ इज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर किसी स्टेट की असेंबली डिजॉल्व हो गई है तो उसके मेंबर भी क्वालिफाई नहीं होते हैं वोट डालने के इन द प्रसिडेंशियल इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देयर शेल बी यूनिफॉर्मिटी इन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच स्टेट और इसी के साथ एक पैरिटी होनी चाहिए बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड द यूनियन आइए इस बात को समझते हैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एम कैसे निकाली जाती है वो होती है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेम्बर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असम्बली और इससे जो निकला उसको डिवाइड करते हैं वहीं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी होती है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आइए जानते हैं क्या होता है कोटा ऑफ वोट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक कैंडिडेट को विनर तभी घोषित किया जाता है जब वो सिक्योर कर लेता है एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स और ये फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स कैलकुलेट किया जाता है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय टू प्लस वन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है थ्रू सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और वोटिंग होती है थ्रू सीक्रेट बैलेट हर इलेक्टर को एक बैलेट पेपर दिया जाता है जिसमें उसको इंडिकेट करना होता है मार्किंग से वन टू थ्री फोर अपनी प्रिफ्रेंसेस जब इन वोट्स की काउंटिंग होती है तो फर्स्ट प्रीफ्रेंस वोट्स को ही काउंट किया जाता है फर्स्ट फेज में और अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट फेज के वोट से ही रिक्वायर्ड कोटा पूरा कर लेता है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है विनर अगर कोई भी फर्स्ट फेज में रिक्वायर्ड कोटा नहीं पूरा कर पाता है तब किया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ वोट का सिस्टम इस सिस्टम के हिसाब से उस कैंडिडेट के जिसने कि लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रिफ्रेंस वोट्स पाए हैं उसके बैलेट्स को कैंसिल कर दिया जाता है और उन बैलेट्स पर जो सेकंड प्रेफरेंस वोट्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है एज फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स ऑफ अदर कैंडिडेट्स और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तब तक जब तक कोई एक इंसान रिक्वायर्ड कोटा पूरा ना कर ले और इसी सिस्टम को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लें क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पैरिटी होनी चाहिए बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड द यूनियन इसी को मेंटेन करने के लिए जो टोटल वैल्यू ऑफ एम पी वोट्स होती है वो इक्वल होती है टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल एम एल एज ऑफ द स्टेट जिससे कि यूनियन और स्टेट का बैलेंस बना रहे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आइए अब जानते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्यों इनडायरेक्ट सिस्टम के थ्रू किया जाता है ना कि डायरेक्ट सिस्टम से कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स में कहा गया है कि इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन हारमोनी में है विद दी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है एंड रियल पावर्स होती हैं विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली किया जाता बाय द पीपल और उसके बावजूद उसको कोई रियल पावर नहीं दी जाती तो ये एक तरह की एनोमली क्रिएट करती दूसरा रीज़न ये दिया गया था कि डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग अफेयर होगा और ऐसा एक सिंबॉलिक के लिए करना उचित नहीं होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन ही करना था तो दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट को ये पावर क्यों नहीं दे दी गई कि वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लें और लेजिसलेटिव असेंबलीज को इसमें क्यों इन्वॉल्व किया गया इस बारे में कंस्टिट्यूंट असेंबली का व्यू था कि पार्लियामेंट कई बार एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट करती है इस कारण से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में स्टेट्स का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता इसीलिए प्रेजेंट सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव है यूनियन एंड स्टेट्स इक्वली क्योंकि वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एम एल एज इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एम पीज तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री पीडीएफ देते हैं थैंक यू